मुस्ता किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फार्म ट्रैक 45 सुपर स्मार्ट ट्रैक्टर है ये, और क्लास स्मार्ट। दोस्तों ये ट्रैक्टर 50 HP का ट्रैक्टर है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक क्लास स्मार्ट आता है, एक सुपर स्मार्ट। ये ट्रैक्टर सुपर स्मार्ट वाला ट्रैक्टर है 50 HP का। दूसरा मॉडल इसका एक मॉडल आता है, एक कंप्यूटर 48 HP में आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका फ्रंट पे यहाँ पे बम्पर मिलता है, स्टाइलिश वाला बम्पर, बहुत ही शानदार 80 kg का बम्पर है जो बेट का भी काम करता है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। और फार्म ट्रैक 45 के लोगों के साथ क्रोम का लोगो है, ये फार्म ट्रैक 45 फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग है यहाँ पे, जो 45 लिखा है बहुत ही। और इसकी LED लाइटें हैं, तस्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, रात के समय में बहुत ज़्यादा उजाला प्रदान करती हैं। और इसका फ्रंट अक्सर एडजस्टेबल है, और इसमें आगे टायर इसमें 650/16 के मिलते हैं। आप इसमें 750/16 का भी ऑप्शन ले सकते हैं, कंपनी इसमें ऑप्शन दे दिया है। दोस्तों इसके इंजन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंजन है इसका। और इसमें पावर स्टेयरिंग के लिए, हाइड्रोलिक के लिए टैंडम पंप दिया गया है। और दोस्तों इसमें पावर स्टेयरिंग है, बैलेंस पावर स्टेयरिंग मिलता है। और दोस्तों इसके बैटरी बॉक्स भी इसके सीधे हाथ पे दिया है। फार्म ट्रक के लोगों के साथ, और दोस्तों इस ट्रैक्टर की सर्विस है तो 5 से 6 घंटे के बाद सर्विस होती है। सेपरेट वाले फिल्टर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं फिल्टर ये, और सुपर मैक्स मॉडल है। दोस्तों ये ट्रैक्टर डबल गेज में है, और मल्टी स्पीड वीडियो रिवर्स स्पीड से मिल जाती है। दोस्तों काफ़ी किसान भाई पूछते हैं कि फार्म ट्रैक में नीचे बटन क्यों आते हैं, तो दोस्तों उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। ये फार्म ट्रैक में नीचे बटन इसलिए आते हैं, जैसे इसकी सीट है बाई चांस से खुदा ना खास्ते ट्रैक्टर पलट जाता है, तो जो मतलब ड्राइवर होता है उसके दबने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसमें दुर्घटना का इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, इसमें दुर्घटना नहीं हो सकती, इसमें बहुत ही कम दुर्घटना का चांस होता है, इसलिए इसमें फार्म ट्रैक नीचे पैदान दिए जाते हैं। जो 60 पत्र आ रहा है इधर बोरी लेके, ट्रॉली की बोरी के बहुत ही ज़्यादा पास ट्रैक्टर है ये। और दोस्तों फार्म ट्रैक की सबसे ज़्यादा मशहूर है फार्म ट्रैक के क्लासेस वाले मडगार्ड, और LED लाइटें, LED इंडिकेटर रहते हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये। और बड़े टायर है, हैवी ड्यूटी टायर, हैवी ड्यूटी जो मिलते हैं इसमें, और 14 और 28 के टायर है इसमें। और इसमें एक सपोर्ट भी दी गई है इसमें रिम के लिए, जिससे रिम में डैमेज ना हो गई, रिम कभी ख़राब ना होगा। और दोस्तों पिछले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फार्म ट्रैक एक सबसे ज़्यादा टिकाऊ ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक का। और इस ट्रैक्टर में 5 साल की वारंटी मिलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 साल की वारंटी है। और दोस्तों इसका एक मॉडल और भी आता है, उसमें आता है EPI डक्शन में, वो भी आपको मॉडल मिल जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी इसकी 2018 की इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी मिलती है। और इसकी लिंकेज जैसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी दी गई हैं, और स्टेबल काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और दोस्तों इसमें तेल में डूबे ब्रेक मिलते हैं, और इसका हिचे एडजस्टेबल है, और कंपनी के जिससे काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिया गया है। और यहाँ पे साथ में टॉपिंग मिल जाती है, और यहाँ पे सिंगल आप इसमें डबल भी ले सकते हैं, इसमें ऑप्शन है इसमें। और यहाँ पे एक लाइट है पीछे वाली, बैक लाइट। और किसान भाइयों, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 50 HP लिखा हुआ है। ये मिंडा कंपनी के इसके इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दूसरे एक साथ में और जा रहा है। यहाँ पे फार्म ट्रैक की मार्केट जो सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों इसका मॉडल देख सकते हैं इसका, ये 2021 है इसका। और दोस्तों इसकी PTU पावर यहाँ पे लिखी है 32.3 kW की PTU पावर लिखी है। दोस्तों ये ट्रैक्टर 48 HP में आता है, आप इसकी PTU पावर जरूर देखें, उससे आपको पता चलेगा कि ट्रैक्टर ये 45 HP का है या 48 HP का, ये 50 HP का ट्रैक्टर है, ये सबको पता चल जाएगा। दोस्तों इसमें स्पीड लिखी जाता है 540 मल्टी स्पीड, और रिवर्स स्पीड सब मिल जाती है दोस्तों इस ट्रैक्टर में। और दोस्तों इसमें डिजिटल मीटर मिलता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और दोस्तों फार्म ट्रैक में स्पीड चार्ज मिलता है, दोस्तों इस ट्रैक्टर की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है,
और यहाँ पे गियर के चार्ट वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, और हॉर्न वगैरह सब कुछ दिया गया। और दोस्तों इस सेक्टर में गियर हैं जो 4 सेक्टर गियर आते हैं वही गियर इसमें फार्म ट्रक में है, सेम वही गियर है 8+2, और ये ट्रैक्टर डबल क्लच में आता है। और यहाँ पे पोजीशन और ड्राफ्ट इसमें डबल लीवर दिया गया है। और दोस्तों इसमें हाइड्रोलिक और इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इसमें एक इसमें अलग से लीवर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इसका पार्किंग भी देखा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसमें डिफेंस लॉक इसमें बंद कर दिया कंपनी ने, अब सभी कंपनी ने डिफेंस लॉक बंद कर दिया है। और यहाँ पे इसकी पार्किंग लाइट मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग लाइट बहुत अच्छी से जलती है इसकी। और यहाँ पे साइड मिरर मिल जाता है ये, और यहाँ पे फिल्टर का इसमें 50 लीटर का फिल्टर मिलता है दोस्तों चक्टर में। और यहाँ पे जिसमें केयर बटन का भी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कहीं बाई चांस कहीं आपके चक्टर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे बटन दिया गया है इधर, यहाँ पे पैरवाल गियर्स भी मिल जाती है इस चक्टर में। ये F27 मॉडल है सुपर मैक्स, और 3 सिलेंडर का इंजन है इस चक्टर में, और वाटर सेपरेटर मिल जाता है यहाँ पे। और ये इसके रेजिएटर है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेजिएटर है, इनकी कूलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये, देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें कूलेंट बोतल मिल जाती है, और यहाँ पे पावर स्टीयरिंग के लिए इसमें अलग से ऑयल मिलता है। अन्य कंपनियों में कहा होता है कि उनमें पावर स्टीयरिंग का पंप इसमें हाइड्रोलिक का गियर बॉक्स लिया जाता है, जिससे उनका पावर स्टीयरिंग जल्दी ख़राब हो जाता है, और किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ जाता है। फार्म ट्रैक में पहले से ही इसमें पावर स्टीयरिंग का ऑयल इसमें अलग से मिलता है फार्म ट्रैक में सबसे पहले। और दोस्तों इसमें एक इसमें बॉनट भी इसमें जितने इसमें एक बड़ा सिंगल पीस भी आता है, और डबल इसमें बॉनट भी आता है इसमें फार्म ट्रैक में। बहुत ही ज़्यादा शानदार कलर है फार्म ट्रैक का। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।